के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। छठगण विगत कक्षाओं में हम लोगों ने सिख धर्म के 10 गुरु और सूफी आंदोलन का समापन किया था। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ रहे हैं छठगण, जिसका नाम है शेरशाह, है ना। छठगण हेडिंग बनाएगा अपने नोट्स कॉपी में, शेरशाह। कार्यकाल था मात्र 5 साल का छठगण, 1540 से 1545 1545 देखेंगे छठगण। शेरशाह को भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट, यह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म 1472 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट, सासाराम के जमींदार थे, बिहार में है सासाराम छत्रगण। नेक्स्ट, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट, फरीद ने सासाराम के जागीरदार के रूप में प्रशासनिक अनुभवों को हासिल किया था। नेक्स्ट, बिहार के अफगान शासक मोहम्मद शाह या बहार खां लोहानी बहार खां लोहानी ने अपने पुत्र जलाल खां का प्रशिक्षक फरीद को नियुक्त किया। नेक्स्ट, एक दिन शिकार के क्रम में फरीद ने तलवार के एक झटके से शेर का काम तमाम कर दिया, जिसके कारण बिहार के अफगान शासक बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, बहार खां की मृत्यु के बाद शेर खां बिहार का
शासक बन गया। बन गया। नेक्स्ट, शेर खां ने 1532 में मालवा के राजा मालदेव के साथ युद्ध किया तथा राजपूतों की वीरता से प्रभावित होकर उसने एक प्रसिद्ध कथन कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो बैठा था। नेक्स्ट, शेर खां ने चुनार के शासक ताज खां की विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह कर लिया। नेक्स्ट, शेरशाह ने 1540 में दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। नेक्स्ट, शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था। कालिंजर के शासक कीरत सिंह थे। इस अभियान के दौरान शेरशाह ने उक्का नामक छोटी तोप चलाने के क्रम में यह तोप फट गई तथा शेरशाह की कालिंजर अभियान के दौरान ही मृत्यु हो गई। शेरशाह के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह उत्तराधिकारी बना। यह छतगन फरीद से लेकर
सिरसा तक के सफर को तय करने की प्रमुख बातें जो आपको ध्यान रखना होगा, स्मरण करना होगा, याद रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको इन सब चीजों पर पैनी निगाहें रखनी होगी और अपने आप को केंद्रित करना होगा, ध्यान देना होगा और एक एक चीजों को ध्यान छतगन मनन भी करना होगा, अध्ययन भी करना होगा। गौर कीजिएगा छतगन, एक छोटा सा बालक जिसका नाम फरीद है, जिसके पिता का नाम जो है हसन खां है, जो कि सासाराम के जागीरदार हैं, एक नन्हा सा बालक सासाराम के जागीरदार से लेकर अपना सफर तय करता है दिल्ली साम्राज्य के सम्राट सुल्तान बादशाह के रूप तक। कैसे? अपने व्यक्तिगत क्षमता के रूप में, अपने व्यक्तित्व में निहित महत्वपूर्ण गुणों के कारण वह ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाता है, जिसे आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। छात्रगण, फरीद के जीवन में टर्निंग पॉइंट कहां कहां आ रहे हैं? पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिरसा के बचपन का क्या नाम था, वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। छतगन, इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि इसे बिहार के अफगान शासक मोहम्मद शाह या बहार खां लोहानी अपने पुत्र जलाल खां लोहानी का प्रशिक्षक नियुक्त कर रहे हैं और यह राजा के इतने करीब पहुंच जा रहा है कि राजा एक दिन शिकार के क्रम में से लेकर जाता है। शिकार के दौरान राजा पर अचानक शेर आक्रमण करता है और फरीद तलवार के एक झटके से उस शेर का धड़ अलग कर देता है और राजा की जान बच जाती है। राजा बहार खां लोहानी प्रसन्न हो जाता है और फरीद को तलवार के एक झटके से त्वरित गति से शेर का शिकार करने के कारण शेर खां की उपाधि प्रदान करता है। फरीद शेर खां बन जाता है छतगन और राजा के और भी करीब पहुंच जाता है। धीरे धीरे कर यह राजा के इतने करीब हो जाता है कि राजा की मृत्यु के बाद यह सत्ता प्राप्त कर लेता है और यह बिहार का अफगान शासक बन जाता है। छतगन 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर यह सिरसा के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। छतगन, इसका अंतिम अभियान कालिंजर अभियान था जो 1545 में हुआ था और कालिंजर अभियान के दौरान राजा कीरत सिंह के साथ युद्ध करते हुए उक्का नामक आग्नेय अस्त्र को चलाते वक्त, छोटी तोप को चलाते वक्त तोप फट जाती है और सिरसा की मृत्यु हो जाती है। छतगन, छतगन 1545 में महान बादशाह सदा के लिए अलविदा हो जाता है। इसके पश्चात इसके पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर विराजते हैं और बैठते हैं। छतगन, सिरसा को भारत में द्वितीय अफगान राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। इसे सूर साम्राज्य का या सूर वंश का भी संस्थापक कहा जाता है। छतगन, सिरसा एक अफगानी था, ध्यान रखिएगा। छतगन, प्रथम अफगान वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को कहा जाता है और द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक सिरसा को कहा जाता है। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पूछेगा भारत में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था सिरसा और प्रथम अफगान वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ध्यान देंगे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पैनी निगाहें रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। छात्रगण, सिरसा की क्या देन है, क्या उसने दिया है हम लोगों को जिसके कारण इतिहास में प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, हेडिंग बनाइएगा सिरसा की प्रमुख देन। सिरसा की प्रमुख देन देखिए, सिरसा अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के कारण इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है नेक्स्ट, सिरसा ने
कलकत्ता के सोनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर तक, पाकिस्तान के पेशावर तक तक ग्रैंड ट्रंक रोड रोड का निर्माण करवाया था, जिसे सिरसा सूरी राजमार्ग कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, सिरसा ने स्वयं तथा अपने पिता हसन खां का मकबरा, सिरसा ने स्वयं तथा अपने पिता हसन खां का मकबरा मकबरा बिहार के सासाराम में पानी के बीचों बीच बनवाया है, बनवाया है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट, सिरसा ने कन्नौज का नाम बदलकर शेर शाह सूरी नगर रखा था, शेर शाह सूरी नगर रखा था। नेक्स्ट, सिरसा के समय भू राजस्व की दर 1/3 अर्थात 33% थी, 1/3 अर्थात 33% थी। नेक्स्ट, सिरसा ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 जिलों में बांटा था, जिसे 47 सरकार भी कहते थे, सरकार भी कहते थे। नेक्स्ट, सिरसा ने डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था, प्रचलन शुरू किया था, जिससे प्रेरित होकर लॉर्ड डलहौजी ने भी भारत में डाक व्यवस्था की, उसी पद्धति से शुरुआत की थी, पद्धति से शुरुआत की थी। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, सिरसा के समकालीन थे। नेक्स्ट, सिरसा ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था, पटना के नाम से स्थापित किया था। नेक्स्ट, सिरसा ने 178 ग्रेन का, 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे रुपया कहा जाता था, तथा 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलाया था, जिसे
दाम कहा जाता था, दाम कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट, सिरसा ने भूमि मापन के लिए बत्तीस अंक वाली सन की डंडी की शुरुआत की थी, की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सिरसा ने संपूर्ण साम्राज्य में यात्रियों को विश्राम के लिए 1700 सरायों सरायों का निर्माण 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, इसने सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर छायेदार वृक्ष लगवाए थे, वृक्ष लगवाए थे जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट, सिरसा द्वारा बनाई गई सड़कों और सरायों को, सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था। रक्त की धमनी होती है ना छतगन, साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था। नेक्स्ट, सिरसा के शासनकाल में दिल्ली में पुराना किला, किला और उसके अंदर किला एक कुहना मस्जिद, किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, सिरसा ने तेईस टकसालों का निर्माण करवाया था, नेक्स्ट, सिरसा ने रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था, नेक्स्ट, सिरसा ने दीनपनाह महल को तोड़वाकर, दीनपनाह महल को तोड़वाकर उसके स्थान पर पुराना किला ओल्ड फोर्ट एवं
किलाए कुहना मस्जिद, किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, शेरशाह के समय निम्न राजस्व शब्दावलियां काफी प्रचलित थी। नंबर एक, पट्टा, देखिएगा इसमें लगान की दर लिखी होती थी, लगान की दर लिखी होती थी। कबूलियत, कबूलियत इसमें किसान लगान देना कबूल करता था, कबूल करता था। नंबर तीन, जरीबाना, जरीबाना भूमि का सर्वेक्षण करने वाले, भूमि का सर्वेक्षण करने वाले पदाधिकारियों को वेतन देने के लिए किसानों की कुल आय का 25% वसूला जाता था, जिसे जरीबाना कहते थे। मुशीलाना, मुंह शिलाना शिलाना लिखिए। राजस्व वसूलने वाले पदाधिकारियों को, राजस्व वसूलने वाले पदाधिकारियों को वेतन देने के लिए शेरशाह किसानों की कुल आय का 5% कर के रूप में वसूलता था, जिसे मुसीलाना कहते थे। इसकी दर 5% थी। नेक्स्ट, शेरशाह के शासनकाल एवं चांदी के सिक्के रुपये को अपनाए जाने के कारण इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का, ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है, मुद्रा प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट,
सिरसा के उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अब्बास खां शेरवानी ने कहा है, कोई भी अत्यंत बूढ़ी महिला अपने सिर पर सोने चांदी के गहनों से लदा, सोने चांदी के गहनों से लदा टोकरी लेकर रात्रि काल में भी निकल जाती थी, परंतु कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन का उस पर अत्यधिक खौफ था। यह छतगन सिरसा का परिचय जिसने अनेक सुधारात्मक कार्य किए। छतगन हर क्षेत्र में आप इसके सुधारात्मक कार्य देख रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र को देखिए तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे सिरसा सूरी राजमार्ग कहा जाता है, कलकत्ता के सुनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर तक छतगन इसने इस सड़क की मरम्मत करवाई थी जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या सिरसा सूरी राजमार्ग कहा जाता है। छतगन यदि हम लोग नगरों की बात करें तो पाटलिपुत्र का नाम बदल के इसने पटना कर दिया, कन्नौज का नाम बदल के सिरसा सूरी राजमार्ग रख दिया, सिरसा सूरी नगर कर दिया, रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया और अपने तथा अपने पिता का मकबरा इसने बनवाया था बिहार के सासाराम में पानी के बीचों बीच। छतगन यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। पूछेगा सिरसा का मकबरा कहां है? बिहार के सासाराम में। इसके पिता हसन खां का मकबरा कहां है? बिहार के सासाराम में। क्या खासियत है? पानी के बीचों बीच है यह मकबरे, ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा दिल्ली में दीन पनाह महल को तोड़वाकर ओल्ड फोर्ट पुराना किला किसने बनवाया? सिरसा ने। किलाए कुना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिरसा ने पुराना किला में ही किलाए कुना मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा डाक प्रणाली की शुरुआत मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने की थी? सिरसा ने। छतगन सिरसा की डाक प्रणाली से प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर, उस प्रणाली को देखकर लॉर्ड डलहौजी इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी वही प्रणाली को अपनाया था, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, मनन करना होगा, याद रखना होगा, छतगन सिरसा ने राजस्व प्रणाली के तहत भू राजस्व की दर 1/3 रखी थी, 33%। यह रैयतवादी प्रणाली का समर्थक था, अर्थात यह कृषकों से लगान सीधे तौर पर वसूलता था, जमींदारों द्वारा शोषण और अत्याचार नहीं करवाता था। छतगन सिरसा के समय में 4 प्रकार के भू राजस्व के टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्टा, छतगन किसानों को जो कागज दिया जाता था जिसमें लगान की दर लिखी होती थी उसे पट्टा कहा जाता था, है ना। दूसरा है छतगन कबूलियत, किसान जिस कागज के माध्यम से यह कबूल करता था कि मैं लगान दूंगा उसे कबूलियत कहा जाता था। छतगन जरीमाना, भूमि सर्वेक्षण करने वाले पदाधिकारियों को वेतन देने के लिए सिरसा किसानों से ही टैक्स लेता था जिसकी दर थी 2.5%। और मुंह सिलाना, मुंह इसमें सिला जाता था छतगन, किसान टैक्स देते देते परेशान हो जाता था लेकिन सुविधाएं मिलती थी इसलिए चुपचाप रहता था। क्या था मुंह सिलाना छतगन? मुंह सिलाना का अर्थ था कि किसान से उसकी कुल टैक्स का 5%, कुल आय का 5% वसूला जाता था। क्यों?
राजस्व वसूलने वाले जो पदाधिकारी होते थे, जो किसानों के पास जाते थे उन्हें वेतन देने के लिए, किसानों की कुल आय का 5% लिया जाता था, इसलिए इसका नाम ही है छतगन मुसिलाना। क्या थी इसका दर छतगन? 5% थी। तो छतगन पट्टा, कबूलियत, जरीबाना, मुसिलाना याद रखेगा। रोहतासगढ़ का दुर्ग शेरशाह ने बनवाया था, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। छतगन शेरशाह की प्रशासनिक क्षमता इतनी उत्कृष्ट थी कि अब्बास खां शेरवानी ने कहा है कि रात के 2 बजे भी एक 80 वर्ष की बूढ़ी महिला सोने चांदी का गट्ठर एक टोकरी में लेकर के निकल जाती थी तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि चोर उचक्के तो डरते ही थे दंड से। पुलिस प्रशासन में भी खौफ था कि यदि माल चोरी हो गई, छिनतई हो गई, तो उस एरिया के पुलिस पदाधिकारियों को उसके वेतन से, उसकी संपत्ति से वसूल करके जिस महिला का या जिसका भी सामान लुटाया है उसे पैसे दे दिए जाएंगे। छतगन इतना टाइट एडमिनिस्ट्रेशन था शेरशाह का, इसी कारण से इतिहास में यह प्रसिद्ध है। पूछेगा शेरशाह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के कारण शेरशाह इतिहास में छतगन प्रसिद्ध है। छतगन 1700 सरायों का निर्माण करवाया। आप सोच सकते हैं 1700 सराय, क्या होते थे सराय? जहां पे राहगीर लोग रुकते थे, आराम करते थे। हिंदुओं के लिए अलग सराय था, मुसलमानों के लिए अलग सराय था। छतगन इसने सड़क के दोनों ओर छायेदार वृक्ष लगवा दिए, क्यों? ताकि राहगीरों को आने जाने में आसानी हो, उन्हें कठोर धूप का सामना नहीं करना पड़े। छतगन शेरशाह ने जनता के सुख सुविधा के लिए जो किया, चाहे वो डाक प्रणाली हो, चाहे वह सरायों का निर्माण हो, चाहे वह छायेदार वृक्षों का निर्माण हो, ये सब उसके उत्कृष्ट शासक होने के प्रमाण को सत्यापित करते हैं। छतगन 5 साल उसने केवल शासन किया, 1540 से 1545, लेकिन काम इतने कर दिए छतगन कि 50 साल में भी हमारे हुक्मरान वो काम को नहीं कर पाते हैं और बहाना करते हैं कि हमें समय ही नहीं मिला, हम इतने कम समय में क्या कर पाते। छतगन जहां चाह होती है वहां राह निकल जाती है। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया और 5 वर्ष में उसने दिखा दिया कि यदि चाहो तो 5 वर्ष में भी विकास का ताना बुना, विकास की गंगा बही जा सकती है। ये आज के लोकतांत्रिक शासकों, आज के प्रजातांत्रिक हुक्मरानों, आज के हमारे केंद्रीय और राज्य के सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है छात्रगण, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। शेरशाह का शासन ही अपने आप में एक सबक है और शेरशाह से जुड़े हुए हर पहलू को आपको छात्रगण याद रखना होगा। शेरशाह ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 जिलों या सरकारों में बांटा था। शेरशाह के द्वारा बनाए गए 1700 सरायों और सड़कों को क्या कहा जाता है छतगन? इसके साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। छतगन शेरशाह ने जो सड़कें बनवाई, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, सराय बनवाए, छायेदार वृक्ष लगवाए, ये इसके उत्कृष्ट कार्यों को परिभाषित करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो छतगन शेरशाह से जुड़े हुए हर पहलू को आपको याद रखना है। 1540 से 1545 तक का इसका शासनकाल अद्भुत, अद्वितीय स्वर्णाक्षरों से अंकित है और जनता के कल्याण के लिए इसके द्वारा किए गए कार्य भी अपने आप में अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं और जबरदस्त हैं। तो छतगन शेरशाह से जुड़े हुए हर पहलू को आपको याद रखना होगा और किस प्रकार से फरीद शेरखां बनता है और शेरखां के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ये सारे पहलुओं को पैनी निगाहें रखिए, ध्यान दीजिए, एक एक चीजों को मनन कीजिएगा। तो छतगन शेरशाह आज हम लोगों ने समापन कर दिया। हर पहलू को आपको ध्यान रखना होगा, हर चीजों को याद रखना होगा, हर चीजों को मनन करना होगा, हर चीजों को याद रखना होगा। एक लाइन और लिख लेंगे छतगन, केवल लिखेंगे शेरशाह सूरी राजमार्ग को सवक ए आजम, ये पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, ए आजम शेरशाह सूरी राजमार्ग को सवक ए आजम भी कहा जाता है। सवक ए आजम भी कहा जाता है, कहा जाता है ना। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड को छतगन शेरशाह सूरी राजमार्ग को सवक ए आजम भी कहा जाता है। यह है छतगन 1540 से 1545, मात्र 5 साल का शासन
लेकिन उत्कृष्ट शासन, अद्भुत शासन, अद्वितीय शासन, ग्रहण करने योग्य शासन शेरशाह का था। शेरशाह अपने प्रशासनिक दक्षता के कारण इतिहास में काफी प्रसिद्ध माना जाता है छतगन। तो ये शेरशाह से जुड़े हुए हर पहलू को आपको याद रखना है। पूछेगा किला पुना मस्जिद किसने बनवाया था? शेरशाह ने, है ना। पुराना किला दिल्ली में किसने बनवाया था? शेरशाह ने। रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह ने। ग्रैंटक रोड का निर्माता कौन था? शेरशाह था। ग्रैंटक रोड को नया नाम क्या दिया गया हुआ है? शेरशाह सूरी राजमार्ग, है ना। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें छतगन। तो छतगन कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, पुनः अगली कक्षाओं में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।